जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय श्री राम फिटनेस पे। तो गाइज, आज हम लोग एक और मिथ या एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और प्लीज़ पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने से पहले, और प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को यार, आपके भाई का कुछ भला हो जाए। एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो जल्दी करा दीजिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू यार। ओके, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या सर हम लोग व्हाट द टाइम, मतलब कौन सा टाइम हमारे लिए सुटेबल होगा, सुबह का या शाम का, मतलब हम किस टाइम जिम जाएं जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आप सुबह जा रहे हैं या शाम जा रहे हैं? तो कई लोगों के मन में ये डाउट उठता है कि यार सुबह एक्सरसाइज बढ़िया होगी, एक्चुअली हम सो के उठे होते हैं तो हमें लगता है यार एनर्जी नहीं है, या फिर हम शाम को बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तब हम सोच रहे हैं कि यार एनर्जी नहीं है, इससे बेटर तो सुबह कर लेते। तो ये रहता है कि सुबह सर्दियों में खासकर हम उठते हैं कि यार चलो अच्छा शाम को चले जाएंगे। नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना आती हैं माइंड में, ह्यूमन टेंडेंसी है, आती हैं ये सारी चीज़ें कि भाई ऐसा करें। तो एक रहता है कि सुबह ज़्यादा सही रहेगा या शाम को ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने का ना कोई एक ऐसा कुछ है नहीं कि आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी, शाम को करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगी। उन दोनों की एक सिचुएशन है कि अगर आप सुबह करते हैं एक्सरसाइज और बढ़िया करते हैं तो आप पूरे दिन के लिए फिर फ्री हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, इट्स ओके। अगर आपको बॉडी बनाने का शौक भी है लेकिन आप जल्दी नहीं उठना चाहते हैं या थोड़ा सा लेट नाइट वर्क करते हैं तो इट्स लाइक बोलते हैं ना अवसाद, जैसे इंग्लिश में मुझे टर्म अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, जैसे बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन हो जाता है कि ठीक है हम लोग लेट नाइट वर्क करते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो शाम को वर्कआउट कर लेते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं सुबह नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी ये होता है कि हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि कभी हमें शहर जाना हो गया, कभी हमारे बॉस ने छुट्टी नहीं दी, कभी हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो फिर शाम को हमारा वर्कआउट छूट जाता है। तो गाइज, इस जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इट्स टोटली या मैनेजिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम कि हाउ यू टैकल विद इट। आप सुबह जा रहे हैं, इफ़ यू फाइंड दैट सुबह मुझे टाइम मिलता है तो आप सुबह जाइए। अगर आपको लगता है कि यार शाम को मैं बहुत फ्री रहने लगा हूँ या शाम को मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा या शाम को मैं फ्री हूँ तो आप शाम को जाइए। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर वर्कआउट और इट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स और द डाइट यू फॉलो। इट्स नॉट अबाउट द टाइम कि आप सुबह जा रहे हैं या शाम जा रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप सुबह जाएं या शाम जाएं, इट्स वर्कआउट यार। और कभी भी सबसे बुरा वर्कआउट वो होता है जो कभी किया ही ना गया हो। सिंपल है, आप सुबह जाएं शाम जाएं, दैट्स इट, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू यार। जाएं, बस ये करें कि वर्कआउट करने जाएं, इट्स अ गुड हैबिट। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन या एक जिसे बोलते हैं हम टॉक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार गाइस, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए और उसके आगे भी हम लोग अपनी फैमिली बढ़ाएं। और मतलब आप लोग लाइक वी आर अ फैमिली, अगर और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दें, अपना वैल्यूबल फीडबैक दें। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम है आपका, आप जब चाहें सजेशन के लिए आ सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं। इट्स थैंक यू, इट्स अप टू यू हाउ यू कम्युनिकेट विद मी। ओके, नाउ आज के लिए, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जय श्री राम दोस्तों।